हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मैथ्स। मैथ में हम देखेंगे बोर्ड मास। टॉपिक हमारा चल रहा था सरलीकरण का, जिसमें हमने बोर्ड मास को देखा। और बोर्ड मास में जो हमारे थे, हमने देखे थे कोष्टक देखा था, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा था। और हमने कहा था कि हम जो अगली वीडियो में देखेंगे उसमें हम देखेंगे ऑफ यानी का को देखेंगे। इससे पहले मैंने बताया था कि अगर सरलीकरण में आपको कोई भी व्यंजक मिलता है तो उसमें आप पहले ब्रैकेट को देखेंगे, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमारा ऑफ छूट रहा था, तो आज हम देखेंगे ऑफ को। फ्रेंड्स, ऑफ का मैंने पहले आपको बताया था उस वीडियो में कि ऑफ का मतलब होता है इनटू। यहाँ पे गुड़े का जो निशान बनेगा वो गुड़े का ही निशान बनेगा, बट लेकिन जब वो गुड़े के रूप में न देखे का शब्द के रूप में देगा तो पहले आपको ये सॉल्व करना है न कि भाग। अगर इस तरह से निशान देता है तो पहले आप निशान को सॉल्व करेंगे, निशान वाले में पहले आप भाग को सॉल्व करेंगे फिर गुड़े को। अगर का शब्द देता है तो आप पहले का को सॉल्व करेंगे। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखें हम। देखिए, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार कर रखे हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें मैंने दिया है का। देखिए, 81/9 का 3+1 का मान बताना है आपको। मैंने कहा का पहले आप का को सॉल्व करेंगे। बोर्ड मार्क्स के नियम से हम पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफ यानी कि का आया है, इसलिए हम पहले का को सॉल्व करेंगे। तो मैं बता दूं आपको कि 9 का जो संबंध है, का वर्ड होने की वजह से 9 का संबंध आपका 3 से है। 9 का और 3 का आपस में संबंध है, इसके खातिर आपको पहले 9 को और 3 को सॉल्व करना पड़ेगा यानी का को। का मतलब मैंने बताया था कि इनटू है, इनटू मतलब गुणा। तो आइए सॉल्व करते हैं प्रश्न को। देखिए, पूरा प्रोसेस पहले हम वैसे उतारेंगे। तो हमारा क्या है, पहले 81/ ये इतना आ गया हमारा। अब हम 9 और 3 को सॉल्व करेंगे, तो हमको गुणा करना है। तो 9 तिया होता है 27, ये हमारा आ गया 27, प्लस 1 बचा 1 हमने लिख दिया यहाँ पर। इतनी प्रक्रिया हो गई हमारी। अब देखिए, बोर्ड मास में हमको डिवाइड पहले सॉल्व करना है। तो 81 में जब हम 27 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 3+1=4। ये हो गया आपका आंसर। यानी कि कहने का तात्पर्य इतना ही है कि इनटू का अगर निशान लगकर आता है तो आप पहले भाग को सॉल्व करेंगे, ऐसे में अगर का शब्द आता है तो इन दोनों से पहले आप इसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह से दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखिए, हमने यहाँ पे बट्टे का लिखा। अगर फ्रेंड्स, अगर आपको बट्टे का जोड़ घटा आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में बट्टे का जोड़ घटा गुणा भाग चारों के लिंक है वीडियोस के, आप देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि बटे में आपको एलसीएम लेना बहुत जरूरी है। अगर एलसीएम आप आता है तो भिन्नों का जोड़ घटा आपके लिए इजी हो जाएगा, अगर एलसीएम नहीं आता तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए एलसीएम का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। तो आइए दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे दिया है 36/4 का 1/2 प्लस 3/4 इंटू 1/1/2। इस सवाल को हमको सॉल्व करना है। मैंने कहा था कि यहाँ पे का लग जाने की वजह से 4 का और 1/2 का आपस में रिलेशन है, और का मतलब हुआ इनटू। तो हम इसे कर लेते हैं। देखिए, जब इनटू करना होता है बटे में, यहाँ बटा नहीं है लेकिन फिर भी हम इसे बटा मान सकते हैं बनाकर, तो आपस में तिर्यक भाग होता है, काट सकते हैं ये आपस में एक दूसरे को। तो यहीं से हम इसको काट देते हैं। 2 से 1 कट गया, ये कट गया हमारा, और 2 से 2 ये कट गया। तो हमारा पूरा नया समीकरण क्या बनकर तैयार हुआ, 36/ में। अब यहाँ पे मैं कटने के बाद 2 आया है, तो 2 ये पूरा सॉल्व हो चुका है हमारा। हम आगे अब क्या उतारेंगे, प्लस में 3/4 इंटू, इसको वहीं डायरेक्टली हम कर देंगे, 2 × 2 = 3, 3/2 ये बन गया हमारा। अब आगे क्या करेंगे, अब हम करेंगे पहले भाग करेंगे यानी कि डिवाइड वाला प्रोसेस अपनाएंगे। 36 में हम 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 18। फिर क्या बचा हमारा, प्लस 3/4 इंटू 3/2। अब हम क्या करेंगे, अब हमको पहले गुणा करना है, तो पहले हम गुणा अपनाएंगे। तो हमको देखिए एलसीएम वाला वही रूल अपनाना है, ये आप ऐसे ही लिख लीजिए। प्लस क्या करेंगे हम, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का नीचे, गुणा है प्लस होता तो एलसीएम लेते, लेकिन यहाँ पे गुणा है तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा, 3 का 3 में गुणा हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा और 4 × 2 = 8। अब देखिए, भिन्न का हो गया और एक साधारण है, तो ऐसे में क्या करेंगे, इसे भी हम भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब इसे भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये आपस में, अब हम यहाँ पे देखिए प्लस होने की वजह से एलसीएम लेंगे, तो इसका हम अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम 8 ही आता है, 8 हमने लिया, और 8
जब एक से हम इसको डिवाइड करेंगे आठ को तो आठ आएगा, और आठ का टेबल हम अठारह बार पढ़े तो हमारा आ जाएगा 144। जो निशान है वो उतार देंगे प्लस, फिर आठ से आठ भाग देंगे तो आएगा एक, एक का गुणा करेंगे नौ में तो आएगा हमारा नौ, पूरा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 153 बटे में आठ। यह बनकर हमारा तैयार हुआ, लेकिन ये उचित रूप नहीं है, अनुचित भिन्न के रूप में आया है, तो क्या करेंगे हम इसे भाग देंगे। मैंने बताया भाग देना, फाइनल इसका आंसर क्या बनकर आएगा, 19 सही 1 बटे में 8, ये उसका हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स आप मेरी बात समझ चुके होंगे कि अगर किसी भी सवाल में पहले अगर कावड़ देता है तो हम कावड़ को देखें, लेकिन बोर्ड भाषा के नियम में सबसे पहले आप ब्रैकेट को देखेंगे, ब्रैकेट के अंतर्गत अगर कहीं कावड़ आता है तो आप इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के बाद फिर आप बोर्ड मास पे आएंगे, बोर्ड मास अर्थात डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे आएंगे, इसे करेंगे आप। तो फ्रेंड उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।